स्वागत करती हूँ। हम बनाने जा रहे हैं कैरेमल केक, जो कि बहुत ही टेस्टी बनता है, तो एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा कैरेमल केक। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं कैरेमल केक। हेलो फ्रेंड्स, शारदा किचन में आपका स्वागत है। आज मैं केक की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, तो देख लीजिए इसके लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत है। एक कटोरी मैदा, दो चम्मच मिल्क पाउडर, आधी कटोरी पिसी हुई चीनी, आधा चम्मच से थोड़ा कम बेकिंग पाउडर, एक चम्मच से कम, और ये हमारा बटर है, अमूल की क्रीम, दूध और रिफाइंड। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। ये हमने एक बोल ले लिया है, इसमें अब हम मैदा डालेंगे। पहले बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, पिसी हुई चीनी, और मिल्क पाउडर। दो चम्मच के करीब हम इसमें रिफाइंड ऑयल डालेंगे। हम इसे मिक्स करेंगे। थोड़ा थोड़ा दूध डाल के हम इसे मिक्स करेंगे। ये केक हम माइक्रोवेव में बनाएंगे, बहुत ही स्पॉन्जी बनता है और माइक्रो मोड पर ही हम इसे तैयार करेंगे। बहुत ही जल्दी बन जाता है और बहुत ही स्पॉन्जी। हमारा बैटर ऐसा हो गया है, इसी तरह की कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। हम इसे थोड़ी देर अच्छे से फेंटेंगे। हमने ये मोल्ड ग्रीस कर लिया है, हम इस वाले बोल में बनाएंगे ये केक। इसे हमने रिफाइंड से अच्छे से ग्रीस कर लिया है। अपना केक का बैटर इसमें ट्रांसफर करेंगे। हमने बैटर इसमें डाल दिया है। हम इसमें माइक्रोवेव में माइक्रो मोड पे 4 मिनट के लिए इसे माइक्रो करेंगे। माइक्रो मोड पे हमने 4 मिनट के लिए रख दिया अपना केक। आइए अपना केक चेक करते हैं। ये केक भी हमारा बन गया है, इसे चेक कर लेते हैं। बिल्कुल रेडी है। कितना स्पॉन्जी हमारा केक बन गया है। ये हम ये स्पॉन्ज केक बना रहे हैं, तो उसके लिए हमें थोड़ा दूध चाहिए होगा। 1 कप के करीब मैंने दूध ले लिया है, 1 कप से थोड़ा कम। हम चीनी मिलाएंगे 1 चम्मच।
पिसी हुई चीनी है और थोड़ी क्रीम। हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसे मिक्स करके हम फ्रिज में रख देंगे। हमारा केक बन रहा है, इसके लिए कैरेमल सॉस रेडी कर लेते हैं। हमने बिल्कुल धीमा करके गैस को एक पैन इस पर रख दिया है। इसमें हम चीनी डालेंगे एक कटोरी के करीब। बिल्कुल 2 चम्मच के करीब हम इसे पानी ऐड करेंगे। इसे लगातार चलाते रहेंगे। गैस स्लो ही रखनी है हमें। इसे हमें जब तक ये चीनी ब्राउन हो जाती है तब तक इसे पकाना है अच्छे से कैरेमल। हमारी चीनी पिघलने लगी है, ऐसे ही स्लो आंच पे हम इसे पकाएंगे तब तक इसे कैरामेलाइज हो जाएगी। तब तक ये चीनी में ये क्रिस्टल होने पड़ने लगे हैं, लेकिन अब घबराइए मत क्योंकि इसके बाद ही हमारा क्रिस्टलाइजेशन के बाद ही हमारा कैरामेल बनना स्टार्ट होता है। देखिए हमारा कैरामेल बनना स्टार्ट हो गया है। हम इसमें बटर डालेंगे। ये हमारी कैरेमल सॉस बिल्कुल बन गई है। अब एक फोर्क से हम इसे इस तरह से, ताकि हमारा जो मिल्क है ये इसके अंदर तक चला जाए। हमने सारा दूध इसके अंदर डाल दिया ताकि और ज्यादा स्पंजी हो जाए। व्हिप्ड क्रीम लगाएंगे इस पे। ये व्हिप्ड क्रीम हमने घर पे ही बनाई है। अगर आप कहेंगे तो मैं इसकी रेसिपी शेयर कर दूंगी। तरह से हम इसे पूरा कवर कर देंगे। देखिए हमने पूरा क्रीम से कवर कर दिया है। कैरेमल सॉस डालेंगे। हमारा कैरेमल केक रेडी है। अब इसे थोड़ा डेकोरेट कर देते हैं। देखिए हमारा केक बिल्कुल रेडी है सर्व के लिए। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें
और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।